हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट 50 वर्ड्स जिनको लिखते हुए लोग अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है अपोलॉजी। इसको लिखते हुए लोग अक्सर लिखते हैं APOLOGY, बट ये रॉन्ग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है APOLOGY। जी हाँ, आप इसको सिंगल पी के साथ लिखेंगे, डबल पी के साथ नहीं। इसका मीनिंग है माफी मांगना। चलिए इसका यूज देखते हैं। ही ऑफर्ड अ सिंसियर अपोलॉजी फॉर हिज बिहेवियर। उसने अपने व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेरियम। इसको लिखते हुए लोग अक्सर स्पेल करते हैं AQUARIUM, बट ये रॉन्ग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AQUARIUM। इसमें आप सिंगल क्यू रखेंगे, डबल क्यू नहीं। इसका मीनिंग है मछली घर। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। द फिश कैन बी टेम्परली हाउस्ड इन अ स्मॉल एक्वेरियम। मछली को अस्थायी रूप से मछली घर में रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम, ACCUSTUM। इसको अक्सर ऐसे ही स्पेल कर दिया जाता है अनजाने में, बट इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACCUSTOM। तो आप यहाँ पर TUM नहीं लिखेंगे, TOM लिखेंगे। इसका मीनिंग होता है आदि बन जाना या फिर आदि बनाना। इसका यूज देखते हैं। ही हैज टू अकस्टम हिमसेल्फ टू दिस वेदर। उसे खुद को इस मौसम का आदि बनाना होगा। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। इसको लोग अक्सर एफिडेविट बोलते हैं और ऐसा ही लिखते भी हैं। तो इसको लिखते हैं AFFIDAVIT, जो कि गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AFFIDAVIT, एफिडेविट। इसका मीनिंग होता है शपथ पत्र या फिर हलफनामा। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। प्लीज साइन द एफिडेविट। कृपया शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए या फिर साइन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। इसको लोग अक्सर लिखते हैं ABSANCE, एब्सेंस, जो कि गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ABSENCE। आप यहाँ पर एस के बाद ए का नहीं ई का यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है गैर हाजिर होना या फिर अनुपस्थित होना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। His repeated absence is worrying. उसकी बार बार की गैर हाजिरी चिंताजनक है। नेक्स्ट वर्ड है acceptable। लोग अक्सर इसको लिखते हैं ACCEPTIBLE, बट ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACCEPTABLE, acceptable। इसका मीनिंग होता है स्वीकार्य। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेशन। इसको लोग अक्सर लिखते हैं ACCOMODATION, जो कि गलत है। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACCOMODATION, अकोमोडेशन। इसका मीनिंग होता है निवास या फिर रहने की जगह। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। अकोमोडेशन इज एक्सपेंसिव इन बिग सिटीज। बड़े शहरों में रहने की जगह बहुत महंगी है। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। इसको लोग अक्सर लिखते हुए गलत लिख देते हैं, जैसे कि ACHEIVE, और इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACHIEVE। इसमें आप लास्ट में IEVE लिखेंगे, ना कि EIVE। इसका मीनिंग है हासिल करना। टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द एम। लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। लोग अक्सर गलत लिख देते हैं AQUIRE। इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACQUIRE, एक्वायर। इसका मीनिंग होता है अर्जित करना या फिर प्राप्त हो जाना। सेंटेंस देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन एक्वायर अ फोबिया हॉरर ऑफ डॉग्स। कई बच्चों को कुत्तों का फोबिया हो जाता है, मतलब उनको डॉग से डर लगने लगता है।
नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस. लोग अक्सर इसको लिखते हुए गलत लिख देते हैं, ADRE SSS. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ADDRE SSS. इसका मीनिंग होता है पता, मतलब जहां पर कोई रहता है. सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं. डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस? क्या आप अभी भी उसी पते पर रहते हो? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑलमोस्ट. जैसा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लोग इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं, जैसे कि ALLMOST, जो कि गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ALMOST, ऑलमोस्ट. इसका मीनिंग है लगभग. सेंटेंस में इसको यूज करते हैं. ही वॉज ऑलमोस्ट स्पीचलेस विद एंगर. वह गुस्से में लगभग चुप सा हो गया था. नेक्स्ट है एनुअली. जैसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो लोग इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, जैसे कि ANUALLY या फिर ANNUALY. ये दोनों ही स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ANUALLY, एनुअली. इसका मीनिंग है वार्षिक या फिर सालाना, जो कि साल में एक बार आता हो. इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. दीज ऑरेंज ट्रीज फ्रूट एनुअली. ये संतरे के पेड़ सालाना फल देते हैं, मतलब कि साल में एक बार ही फल देते हैं. आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. ऑफुल. लोग अक्सर इसको लिखते हुए गलती कर देते हैं AWEFUL या फिर AWFUL. ये दोनों ही स्पेलिंग्स गलत हैं. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AWFUL, awful. इसका मीनिंग होता है भयानक. इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. द वेदर लास्ट नाइट वॉज ऑफुल. कल रात मौसम भयानक था. नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट. जैसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लोग इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं, ARGUEMANT, आर्ग्यूमेंट, जो कि गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट. इसका मीनिंग होता है तर्क. नो आर्ग्यूमेंट कैन जस्टिफाई द वॉर. कोई भी तर्क युद्ध को सही नहीं ठहरा सकता. नेक्स्ट वर्ड है बिगिनिंग. लोग अक्सर इसको लिखते हुए लिख देते हैं BEGINING, बिगिनिंग, जो कि गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है BEGINNING, बिगिनिंग. इसका मीनिंग है शुरुआत. इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. अ गुड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग. अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमिशन. लोग अक्सर इसको लिख देते हैं ADMISION, जो कि गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ADMISSION, एडमिशन. इसका मीनिंग है प्रवेश. एडमिशन इज फ्री फॉर चिल्ड्रन अंडर 9. 9 वर्ष से कम बच्चों का प्रवेश निशुल्क है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटोरियम. इसको लिख देते हैं AUDITORIUM. ये इसकी स्पेलिंग गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AUDITORIUM. इसमें आप डबल टी का यूज नहीं करेंगे, सिंगल टी यूज करेंगे. इसका मीनिंग होता है सभा मंडप, जहां पर कोई गैदरिंग की होती हो. वी वर असेंबल्ड इन द ऑडिटोरियम. हम सभा मंडप में इकट्ठे हुए. नेक्स्ट है अपियरेंस. लोग अक्सर इसको लिख देते हैं APEARENCE. ये गलत स्पेलिंग है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है APPEARANCE, अपियरेंस. इसका मीनिंग होता है रंग रूप या रूपरेखा. सेंटेंस में इसको यूज करते हैं. नेवर जज पीपल बाय देयर अपियरेंस. कभी भी लोगों को उनके रंग रूप से नहीं आंकना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है एरिथमेटिक. इसको लिखते हुए अक्सर लिख देते हैं ARITHMATIC. ये गलत स्पेलिंग है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ARITHMETIC. आप यहां पर MA नहीं यूज करेंगे, ME यूज करेंगे. इसका मीनिंग है अंक गणित. ही इज गुड एट अरिथमेटिक. वह अंक गणित में अच्छा है. नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटिशियन. ये बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है. लोग फिर भी इसकी स्पेलिंग बहुत गलत कर देते हैं.
BEAUTISIAN जो कि गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। इसको सेंटेंस में यूज करके बताते हैं, शी इज सच एन अमेजिंग ब्यूटिशियन, वह इतनी अद्भुत ब्यूटिशियन है। नेक्स्ट वर्ड है बालिंगल, BALINGUAL, बालिंगल। ये इसकी गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है BILINGUAL। इसका मीनिंग होता है द्विभाषी, मतलब जो व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकता हो। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, ही इज बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड पंजाबी, वह अंग्रेजी और पंजाबी में द्विभाषी है, मतलब वह इंग्लिश और पंजाबी दोनों ही भाषाएं जानता है। एक बहुत ही कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड है बलून, लोग अक्सर इसको लिख देते हैं BALLON, ये गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है BALLON, बलून। इसका मीनिंग है गुब्बारा। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद बलून, बच्चे गुब्बारे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्डमम, इसको अक्सर लोग लिख देते हैं CARDAMMOM, जबकि ये गलत स्पेलिंग है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CARDAMOM। इसमें आप डबल एम यूज नहीं करेंगे, सिंगल एम यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है इलायची। आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ ग्रीन कार्डमम, मुझे छोटी इलायची की खुशबू पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है कैरेज, इसको लोग अक्सर लिख देते हैं CARRAIGE, कैरेज। ये इसकी गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CARRIAGE। आप लास्ट में AIGE नहीं यूज करेंगे, IAGE यूज करेंगे। इसका मीनिंग होता है घोड़ा गाड़ी। द क्वीन अराइव्ड इन अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज, रानी घोड़ा गाड़ी में पहुंची। नेक्स्ट वर्ड है कैशियर, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बट अक्सर लोग इसको लिखते हुए फिर भी मिसपेल कर देते हैं CASHEIR, जबकि इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CASHIAR। आप EI नहीं लिखेंगे, IE लिखेंगे। माई ब्रदर इज कैशियर इन द बैंक, मेरा भाई बैंक में कैशियर है। नेक्स्ट वर्ड है कैसेट, CASSETE, लोग अक्सर इसे ऐसे ही लिख देते हैं जो कि गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CASSETE, कैसेट। इन ओल्डन टाइम्स कैसेट्स एंड सीडीज वर इन ट्रेंड, पुराने समय में कैसेट्स और सीडीज का चलन था। नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर, लोग अक्सर इसको लिखते हुए लिख देते हैं CALENDER, ये गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CALENDAR, आप DER नहीं लिखेंगे, DAR लिखेंगे। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, माई कैलेंडर इज फुल फॉर दिस वीक, मेरा कैलेंडर इस हफ्ते के लिए भरा हुआ है, मतलब इस वीक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कैटेगरी, लोग अक्सर इसको लिख देते हैं CATAGORY, ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CATEGORY, कैटेगरी। इसका मीनिंग है श्रेणी। सेंटेंस में यूज करते हैं, टू विच कैटेगरी ऑफ स्नेक्स डज द कोबरा बिलोंग, कोबरा सांपों की कौन सी श्रेणी से संबंधित है, मतलब कोबरा सांपों की कौन सी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वर्ड है चेंजेबल, जैसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है लोग इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं CHANGABLE, चेंजेबल, बट ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CHANGEABLE, चेंजेबल। इसका मतलब होता है अस्थिर या फिर बदलने योग्य। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, माई मोबाइल हैज चेंजेबल बैटरी, मेरे मोबाइल में चेंजेबल बैटरी है, मतलब उस बैटरी को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कोलीग, लोग अक्सर इसको लिख देते हैं COLLAEGUE, ये इसकी गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है COLLEAGUE। इसका मतलब होता है सहकर्मी, जो कि आपके साथ काम करता हो। सेंटेंस बनाकर देखते हैं,
सीमा इज माई कलीग, सीमा मेरी सहकर्मी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमिटेड, लोग अक्सर इसको लिख देते हैं COMMITED, ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है COMMITTED, कमिटेड। इसका मीनिंग है वचनबद्ध। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, शी वॉज कमिटेड टू द जॉब, वह नौकरी के लिए वचनबद्ध थी। नेक्स्ट वर्ड है कंपटीशन, लोग इसकी अक्सर स्पेलिंग गलत लिख देते हैं COMPITITION, ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है COMPETITION, कंपटीशन। इसका मतलब होता है मुकाबला। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, नो कंपटीशन बिटवीन फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच कोई मुकाबला नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव, लोग इसको अक्सर लिख देते हैं DECIEVE, ये इसकी गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DECEIVE, इसमें आप EI लिखेंगे ना कि IE। इसका मीनिंग होता है धोखा देना। आइए इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, यू डेलिबरेटली ट्राई टू डिसीव मी, तुमने जानबूझकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेट, लोग अक्सर इसको लिख देते हैं DEFINATE या फिर DEFINIT, ये दोनों ही स्पेलिंग्स गलत हैं, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DEFINITE, डेफिनेट। इसका मतलब होता है निश्चित या फिर स्पष्ट। सेंटेंस बनाते हैं, आई एम डेफिनेट अबाउट माई डिसीजन, मैं अपने निर्णय के बारे में स्पष्ट हूं, मतलब जो भी मैंने फैसला लिया है मैं उसको लेकर निश्चित हूं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट, जैसे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है लोग इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं DESPARATE, डेस्परेट, जो कि गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DESPERATE, डेस्परेट। इसका मीनिंग है उत्सुक। सेंटेंस बनाते हैं, आई एम डेस्परेट टू लर्न मोर अबाउट माई कल्चर, मैं अपनी संस्कृति के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, ये वर्ड अक्सर ही लोग गलत स्पेल करते हैं DALILIMA या फिर DILIMA, ये दोनों ही स्पेलिंग गलत हैं, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DILEMMA, इसका मतलब होता है दुविधा या फिर कश्मकश। सेंटेंस बनाते हैं, अ कॉमन डिलेमा इज व्हाट टू ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू, एक आम दुविधा यह है कि मेन्यू से क्या ऑर्डर किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस, इस वर्ड को तो बहुत ही ज्यादा मिसपेल किया जाता है क्योंकि इसका रूट वर्ड है डिजास्टर, तो लोग डिजास्टर से ही डिजास्ट्रस को लिख देते हैं जो कि गलत है, लोग अक्सर लिख देते हैं DISASTERUS, ये गलत स्पेलिंग है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DISASTROUS, आप यहाँ पर TER नहीं लिखेंगे TR लिखेंगे। इसका मीनिंग होता है विनाशकारी। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, एयर पोल्यूशन कैन हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, वायु प्रदूषण मनुष्यों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरस, इसको लोग अक्सर लिख देते हैं EMBARASS, बट ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EMBARASS, एम्बेरस, इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। आइए सेंटेंस में यूज करते हैं, I didn't mean to embarrass you, मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है exceed, EXCEDE, जी हाँ लोग अक्सर इसको ऐसे ही लिखते हैं बट ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EXCEED, exceed, इसका मीनिंग है अधिक। आइए सेंटेंस बनाते हैं, यू मस्ट नॉट एक्सीड योर स्पीड लिमिट, आपकी गति सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जब कोई चीज एक सीमा से ज्यादा ना हो तो वहां पर हम एक्सीड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंटीग्रेड,
लोग इसको लिखते भी ऐसे ही हैं और बोलते भी ऐसे हैं सेंटीग्रेड, बट ये सेंटीग्रेड नहीं है, इसकी गलत स्पेलिंग लिखते हैं CENTIGRATE। ये ग्रेट नहीं है, ये है ग्रेड, सेंटीग्रेड, CENTIGRADE, सेंटीग्रेड। सेंटेंस बनाकर बताते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। नेक्स्ट वर्ड है चॉकलेट। अनजाने में इस वर्ड को भी लोग बहुत ही ज्यादा मिसस्पेल कर देते हैं, CHOCLATE, चॉकलेट, बट ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CHOCOLATE, चॉकलेट। सेंटेंस बनाते हैं, आई जस्ट कांट रेजिस्ट चॉकलेट, मैं चॉकलेट को ना नहीं बोल सकते। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कमीशन। लोग इसको अक्सर लिख देते हैं COMMISION, ये गलत स्पेलिंग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है COMMISSION, कमीशन। इसका मतलब होता है कोई आयोग या फिर समिति। सेंटेंस बनाते हैं, द गवर्नमेंट सेट अप अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ पुलिस वायलेंस। सरकार ने पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। नेक्स्ट है कंपल्सरी। ये भी बहुत ही ज्यादा मिसपेल वर्ड है, COMPULSARY, ये इसकी गलत स्पेलिंग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है COMPULSORY, यहाँ पर एस ए नहीं लिखेंगे, एस ओ लिखेंगे। इसका मतलब होता है अनिवार्य, मतलब जो काम होना ही है। नाउ अ डेज वियरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी, आजकल मास्क पहनना अनिवार्य है। नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। इसको अनजाने में लोग ऐसे ही लिख देते हैं CYLINDAR, ये रॉन्ग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है CYLINDER, आप DAR नहीं लिखेंगे, DER लिखेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, Nowadays there is a shortage of oxygen cylinders. आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। नेक्स्ट वर्ड है deficiency। इसको अक्सर लिखा जाता है DEFECIENCY, बट ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DEFICIENCY, आप एफ आई लिखेंगे, एफ ई नहीं। इसका मतलब होता है कमी या फिर अभाव। सेंटेंस बनाकर देखते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी इन द डाइट कैन कॉज इलनेस, आहार में विटामिन की कमी से बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंस। इसको अक्सर लिख दिया जाता है ATTENDENCE, बट ये इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ATTENDANCE, आप डी के बाद ई का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का करेंगे। इसका मीनिंग है हाजिरी। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, अटेंडेंस एट स्कूल इज कंपल्सरी, स्कूल में हाजिरी अनिवार्य है। नेक्स्ट वर्ड इज टुमारो। इसको अक्सर लिख दिया जाता है TOMMORROW, बट ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है TOMMORROW, आप इसको सिंगल एम के साथ लिखेंगे, डबल एम के साथ नहीं। इसका मीनिंग है आने वाला कल। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, यू हैव स्कूल टुमारो, कल स्कूल जाना है। अनदर वर्ड इज नोटिसेबल। इसको अक्सर अनजाने में लिख दिया जाता है NOTICABLE, बट ये रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है NOTICEABLE, नोटिसेबल। इसका मतलब है ध्यान देने लायक, वह चीज जिस पर ध्यान दिया जा सकता हो या फिर नोटिस की जा सके। आइए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, योर प्रोजेक्ट वॉज नॉट नोटिसेबल, तुम्हारा प्रोजेक्ट ध्यान देने लायक नहीं था, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि उसको नोटिस किया जा सके या फिर ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है डायबिटीज। इसको तो अक्सर ही गलत स्पेल किया जाता है DAIBETIES, ये गलत स्पेलिंग है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DIABETES, डायबिटीज,
मतलब मधुमेह, जिसको कि शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। डायबिटीज इज अ सीरियस बट कंट्रोलेबल डिसीज। मधुमेह एक गंभीर लेकिन नियंत्रणीय बीमारी है, मतलब एक गंभीर है पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्कशन, इसको अक्सर लिखा जाता है DISCUSION, ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DISCUSSION, डिस्कशन। इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना या फिर कोई चर्चा करना। आइए एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन, सभी को चर्चा में योगदान देना चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।